वहीं खबर ग्वालियर से है, जहां कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने आदेश है कि महाराज बड़े को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी और छोटे छोटे कर्मचारी कोर्ट के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके कारण कार्यवाही सफल नहीं हो पा रही है। इसका मूल कारण यह है कि ग्वालियर जिले में नगर निगम के इन अधिकारियों के इशारे पर अवैध वसूली की जाती है। यह हम नहीं कह रहे, जो रोज फुटपाथ लगाते हैं वह कह रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि पूरे ग्वालियर में नगर निगम अवैध वसूली करता है। सिर्फ महाराज बड़े से 20 से 25 हजार प्रतिदिन और पूरे ग्वालियर में 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन वसूली होती है। आलम तो यह है कि यदि कोई ठेले वाला या फल वाला प्रतिदिन पैसे देने से मना करता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाता है। वहीं अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का आश्वासन जरूर दिया जाता है, पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखना यह होगा कि नगर निगम कमिश्नर और उनके कर्मचारियों के खिलाफ शासन और प्रशासन कोई कार्यवाही करेगा या नहीं। ग्वालियर से योगेश बिसरिया की खास रिपोर्ट।